नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 23 जून फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। खूब अच्छे से जन्मदिन मनाइए, एकदम सुरक्षित रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। खूब सुरक्षित रहने के साथ साथ खूब सारी तरक्कियाँ भी पाइए। हम यही कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ भी रहें और खुश भी रहें, और आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली हम खुश रहते हैं। और आपको तो वैसे बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं ही है, लेकिन आपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। हम हमेशा आपको कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, और साथ के साथ फिर आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। आटा लेना है और उसे स्टील के बर्तन में डाल देना है। और अगर आप ये आटा 250 ग्राम, आधा किलो, एक किलो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप किसी को आटा दे रहे हैं तो उतने घर आटा यूज़ हो पाए उनका, तो उतना आटा एटलीस्ट आप एक परिवार के हिसाब से ज़रूर दीजिएगा। साथ में कुछ खाने की सामग्री, मिठाई अगर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ के साथ बड़ों का आशीर्वाद और छोटों को प्यार ज़रूर करना है। आपको ढेरों शुभकामनाएँ हैं आपकी जन्मदिन की। ग्रहों की बात करेंगे, गोचर की बात करेंगे, राशियों का हाल होगा, लेकिन साथ के साथ लकी अक्षर भी होगा। पहले बात ट्रांजिट यानी गोचर की। सूर्य रहेंगे मिथुन राशि में, 7 डिग्री के हैं। चंद्रमा सिंह राशि में है, 4 डिग्री के रहेंगे। मंगल कर्क राशि में नीच के चल रहे हैं, 25 डिग्री के हैं, शुक्र के साथ हैं। बुध वृष राशि यानी टॉरस में रहेंगे, 28 डिग्री के हैं। गुरु मेष राशि में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे और 14 डिग्री के हैं। शुक्र कर्क राशि में, 21 डिग्री के हैं, नीच के मंगल के साथ रहेंगे। शनि कुंभ राशि में, 13 डिग्री के हैं और शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं। राहु मेष राशि में, 8 डिग्री के हैं, गुरु के साथ हैं। केतु तुला राशि में है और 8 डिग्री के हैं, बट केतु और राहु ये हमेशा वक्रीय चाल ही चलते हैं, और ऊपर से शनि भी वक्रीय चाल में चल रहे हैं, तो यानी शनि वक्रीय चाल में चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये एक अंदर डर फोबिया बना करके रखा है सबको। लेकिन डरना नहीं है शनिदेव से, न्याय के देवता हैं, डराते नहीं हैं, लेसन ज़रूर देते हैं, और उन लोगों को देते हैं जो झूठ और फरेब के काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो इसलिए शनि से डरिए नहीं। आपने बहुत सारी वीडियो जो है मेरी वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं आपकी राशि के अनुसार वीडियो डाली, ताकि आप उन्हें देख करके अपने समय को कैसे व्यतीत करना और कैसे सुरक्षित रख करके व्यतीत करना है। तो उन सारी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अक्षर की बात भी करेंगे, राशियों का हल भी होगा, लेकिन पहले बात होगी आपकी राशियों की। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। मेहमान आने की संभावनाएं हैं और खूब सारे मेहमान आ सकते हैं। नौकरी में भी तरक्की के योग हैं। स्वास्थ्य को लेकर के ज़रा सचेत रहें, सावधान रहें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस की बात करते हैं। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, यानी इनकम आपकी बढ़ सकती है। मान सम्मान आपको मिल सकता है, लेकिन आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरी सलाह ज़रूर लीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा। हरे रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं। थोड़ा सा घर का माहौल जो है वो तनाव से भरा हुआ रह सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सिचुएशन को संभालने का प्रयास कीजिए। ज़रूरी वस्तुएं अपनी ज़रा संभाल करके रखिए, अचानक कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं। वाहन और मशीनरी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपने काम करते हुए थोड़ा सा सावधानी रखनी है। प्रेम जाहिर करना है तो आज के दिन आप कर सकते हैं। नौकरी में भी लाभ के पूरे पूरे योग हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। लियो यानी सिंह की बात करते हैं। चिंता और तनाव ये दोनों आज के दिन आपको घेर सकते हैं, यानी स्ट्रेस भी रहेगा, एंजाइटी भी रह सकती है। प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज का दिन टाल दें। धन को ज़रा संभाल करके रखें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आज के दिन आप चाहें तो कर सकते हैं।
वर्गो यानी कन्या की बात करते हैं। मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए समय आपका बेहतर है। आप कुछ इम्पॉर्टेंट शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पुराना रोग फिर से बढ़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य को कहीं नज़रअंदाज मत कीजिएगा। क्रिएटिव काम करना है तो आज का समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। शुभ अंग की बात करें वो रहेगा गच्छी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं। थकान के चलते चिड़चिड़ापन आपको घेर सकता है। भागदौड़ ज़्यादा रहेगी लेकिन काम भी साथ के साथ पूरा हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिल सकता है। शुभ अंग की बात करें वो रहेगा नौ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। शत्रुओं से आप नहीं, शत्रु आपसे डरेंगे, तो शत्रुओं की तरफ ध्यान ना दीजिएगा। थोड़ा सा दिन आपका भागदौड़ भरा रह सकता है। पड़ोसियों के साथ विवाद बिल्कुल ना करें, लेकिन इसमें हानि आप ही की हो सकती है, यानी नुकसान आपका हो सकता है। शुभ अंग की बात करें वो रहेगा सात। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफ़ेद। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं। विवाद हो सकते हैं तो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बीच में कूदेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जायदाद के मामले में भी भाइयों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। अचानक परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा दो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए फिरोजी। फिरोजी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। उधार आज के दिन किसी को भी ना दीजिएगा। अपना मन थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास कीजिए। मेहनत आज के दिन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा चार। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना बने। ध्यान से काम करें वरना नुकसान हो सकता है। संतान पक्ष से कुछ खास खुशखबरी आपको आज के दिन मिल सकती है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा एक। शुभ रंग रहेगा आपके लिए फिरोजी। फिरोजी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। भगवान का नाम लेकर के, ऊपर वाले का नाम लेकर के किसी इंपॉर्टेंट काम को करने जा रहे हैं तो कर डालिए, आपका काम पूरा हो सकता है। धन का अचानक लाभ हो सकता है आपको। परिवार के साथ थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा पाँच। शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। अक्षर की बात करते हैं कि कल के दिन कौन सा अक्षर है जिसका आपने प्रयोग करना है। कल है 24 जून, शनिवार का दिन है और अक्षर है आपका थ थर्मस वाला अक्षर। इसका प्रयोग आपने कल के दिन करना है। जल में थोड़ा सा आटा मिला लीजिए, इसके पेस्ट से, यानी ऐसे बनाइएगा कि जल ज़्यादा और आटा कुछ बूंदे, इसका पेस्ट जो लिक्विड सा बनेगा उससे आपने अक्षर लिखना है कागज़ के ऊपर। दिन भर ये कागज़ अपने साथ रखिए और अगली सुबह से किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में रख दीजिए। मन भी शांत होगा और एकाग्र भी रहेंगे और साथ के साथ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट जो होती है वो आपके हाथ लग सकती है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। हर सुबह 6 बजे हम राशिफल के साथ हाजिर होते हैं। कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।